रुको जरा, सबर करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्क, कैलाश हिल, कैलाश गिरी, जो भी बोलो, यहाँ पर कुछ है, इस तरह से पार्क है जो आप लोग को देखने को मिलेगा। बच्चे लोग खेल रहे हैं, सब लोग इधर खेलने का है। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। इस तरह से तो इधर से हम लोग को चढ़ना पड़ेगा श्री, देख सकते हो कितने रोड रोड में। तो यहाँ पर टिकट हो गया। ये क्या है? ये देख सकते हो, और देख सकते हो ये सब देखने को मिलेगा। ये है तो देख सकते हो, फिर यहाँ पर ऊपर के लिए टिकट है, यहाँ पर कटेगा लग रहा है। हम लोग इधर हैं, पहुँच चुके हैं ये ना। तो दोस्तों हम लोग को बैग रखो बोल रहे थे, थोड़ा बड़ा बड़ा बैग है। तो हम लोग क्या बोला कि हम लोग लौंडे पट्टी हैं, तो हम पकड़ के घूम सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, फिर आ सकते हैं। तो देख सकते हो ऐसा करके इधर आता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो ये है इधर से सीढ़ियों से जाने का। तो ये देख सकते हो यहाँ पर टिकट काउंटर है नीचे, तो हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। चलो चलो भाई, ये रहा। देखो ऐसा होके जाता है ऊपर, चलो आते टाइम हम भी आएंगे। ये रहा, वाओ क्या नज़ारा है, ये रहा, मस्त जा रहा है। देखो देख सकते हो यहाँ से पूरा भाई साहब समुद्र का लहर दिख रहा है इधर से, और देख सकते हो ये वाला, देखो दोनों आया जाया हो रहे हैं यहाँ पर, वो ट्रेन टाइप वाला क्या क्या है। तो दोनों चलो अभी तो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, ये देख सकते हो पूरा चढ़ते चढ़ते पूरा पसीना निकल रहा है। तो आते टाइम हो सके तो उसी में बैठ के आएंगे। चलो तो ये नीचे से हम लोग इधर से आए, तो ये सीढ़ी तो पूरा ऊपर तक है जो दिखाई दे रहा है इधर, और नीचे इधर समुद्र का आवाज़ सुन सकते हो, लहर बाइट बाइट सा पूरा। तो दोस्तों हम लोग को चढ़ चढ़ के पट गई क्या? अरे हमारा पैर यार, पैर कुछ भी मत सोचो, गजब बेइज्जती। पूरा धूप का धूप है और इधर पानी का पानी है, देख रहे हो ना, ये है पूरा पहाड़ चढ़ने का नतीजा। उबाग बारी उबागरी हो के आए थे, अब निकल गया इतना धूप में। तो ये इधर थोड़ा रेस्ट करने के लिए बनाए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा आगे हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर रोड पे आ चुके हैं,
यहाँ से फिर ऊपर जाना है। तो देखो पानी पानी हो गए, तो ये देख सकते हैं ऊपर ही और ले गया है। तो इधर का नज़ारा क्या ही खूबसूरत है, मस्त देख सकते हो। वाव इधर का सिटी, इधर सिटी दिख रहा है, इधर ये सब है। बुकिंग करके भी आ सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर पूरा गाड़ी ट्रेवल वाला लगा हुआ है, टूरिस्ट प्लेसेस दिखाने वाला। तो यहाँ पर प्रवेश द्वार, यहाँ से एंट्री करते हैं। इधर पार्किंग है, इधर टाइटेनिक व्यू लिखा हुआ है, लेकिन क्या पता क्या का व्यू है। तो चलो जाके देखते हैं, चलो जाते हैं। पूरा देख सकते हो, पसीना पसीना हो गया। इधर का देख सकते हो स्कूटी पार्किंग सब है, यहाँ का क्या व्यू दिखता है। चलो आप लोग को दिखाता हूँ, मस्त टाइटेनिक व्यू। लेकिन इधर का पहाड़ी भी मस्त है, यहाँ देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। यह है वाइजाग कैलाशगिरी, इधर से रोड है, इधर से भी चढ़ने हो जाता है। हाँ इधर तो रोड इधर चला गया है, ये समुद्र के किनारे किनारे ये लहर उठ रहा है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। वाव इधर से ये व्यू है, इधर पार्किंग। तो देख सकते हो यहाँ पर वेलकम कैलाश हिल करके, यहाँ पर महादेव और पार्वती का मूर्ति को बनाया गया है लगता है, अभी देखा था वीडियो में, तो आज फाइनली आ गया हूँ। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो घोड़ा के ऊपर दो बच्चे को, ये रहा घोड़ा बहुत ही सुंदर। इधर भी एक है, ये देखो घोड़ा घोड़ा कैलाश हिल घोड़ा के ऊपर मजा आता होगा। ये एक तो इधर रहते हैं, तो घोड़ा आगे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों आज वीडियो बनाने का तो इतना मूड नहीं है, लेकिन क्या करें, गर्मी की वजह से भी हालत ख़राब हो गया है, बोलने का भी मन नहीं है। तो ये रहा एक एक गाड़ी, चलो वो मूर्ति बनाए गए हैं प्रतिमा, तो उधर जा रहे हैं हम लोग। फाइनली थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया, हाँ यहाँ पर है। तो ये था गेम देख सकते हैं, चलो ये रहा पहुँच गए। तो ये रहा, तो फाइनली पहुँच गए और टेम्पल के पास में, टेम्पल नहीं मूर्ति के पास में। यहाँ पर सब शंकर भगवान कहा जाता है, उसका मूर्ति और उसका साथ उसके जो पार्वती देवी उसका यहाँ पर मूर्ति है ये। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, तो ये पास में से ऐसा दिखते हैं दिखता है मेरा। तो आगे चला गया फाइनली, तो यहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा, टूरिस्ट प्लेस अच्छा है देखने वेखने के लिए, सब लोग यहाँ पर बहुत भीड़ हो रहता है। तो ये है सीन, तो दोस्तों घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर, तो लेकिन ये धूप में अच्छा नहीं है घूमने के लिए, बहुत ही हालत खराब हो रहा है, पूरा घूमते घूमते पूरा पसीना इतना आनंद हो रहा है। देखने के लिए अच्छा है, यहाँ पर शंकर भगवान और पार्वती का इसका मूर्ति भी है, यहाँ पर गार्डन भी है और यहाँ पर बहुत कुछ है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लिफ्ट में से आया जाया भी कर सकते हो, और इधर देख सकते हो गार्डन बहुत बड़ा है पूरा कैलाशगिरी का, मस्त। वो ये रहा मूर्ति
देख सकते हो यहाँ पर डायनासोरों का राज पहले था, तो यहाँ पर मुर्दा वाला हुआ, इसे बना दिए हैं। इतना बड़ा अगर सच में होता तो जिंदा इंसान आज कोई भी नहीं होता, जो कि आज इतना इधर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लहरों के साथ हुआ समुद्र, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है, वाइट वाइट सा करके बहुत सी हवा चल रहा है। यहाँ से नज़ारा देखो तो बहुत ही सुंदर है। काय काजे तो ये वाला पूरा घुमाएगा फैन, ये सब है ऐसा वाला वाला देखा था कहीं? हम तो नहीं देखे थे बाबा, बोल तू कहीं। भाई साहब सिटी इधर देख सकते हो, ये रहा गजब बेइज्जती है। तो सिटी देख सकते हो मेरे पीछे, समुद्र की लहर है और सिटी ये सब है। तो हम लोग इसमें घुसे थे तो जा रहे हैं, बहुत घूमे, अच्छा ही था वैसे एक्सपीरियंस। और क्या बोलेंगे, ये कैलाशगिरी का कैलाशगिरी महान क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध महादेव पार्वती के फोटो क्या बोलते हैं टेम्पल मूर्ति यहाँ पर रखा गया है, इसलिए कैलाशगिरी के नाम से यहाँ पर जाना गया है। तो इसको देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग चढ़ नहीं पाए क्योंकि बहुत भीड़ है, इससे अच्छा है कि पैदल ही आ जाएं। दांडी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर इतना पहुँच गए, कम से कम अब ज़्यादा दूर नहीं बचा इधर से। तो ये रहा इधर का, तो साउंड सुन सकते हो मस्त, ही कोलाहल, पानी का गर्जन, लहर का लहर उठ रहा है। ये वाइजाग सिटी आप लोग देख सकते हो, ये रहा लिफ्ट, यहाँ से उसके बाद पैदल सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो आप लोग को वो दिखने को मिलेगा। चलो नीचे जाते हैं। तो चलो चलो भाई अब जाएंगे नीचे। देख सकते हो दोस्तों हमारा क्या हाल है, चढ़ते भी है उतरते भी है, उसमें से वो क्या बोलते हैं तुम्हारा बड़ा डब्बा वो गोपा टुकना जैसा वाला में जोड़ियों के उतरेंगे बोल रहे थे, लेकिन क्या पता उसमें भी इतना भीड़ रहेगा चापड़ा चाटी जैसा उसमें लगे पड़े हैं, इसलिए कहाँ से यार। फिर हम लोग को इधर से तेल चाटी जैसा इधर से वो रेंगते रेंगते उतरना पड़ेगा लाइन लगा के। तो यही है क्या बताए आप लोग को, देख सकते हो इधर से ट्रेन वाला यात्रा वालों वो वहाँ पर लेके जाके छोड़ता है, जो वो घर में अंदर रेस्टोरेंट भी मिलेगा, नहीं थोड़ा होटल ढाबा रेस्टोरेंट ही है समझ लो, पार्क में ही अंदर हम लोग यहाँ पर डिनर करने वाले हैं, डिनर नहीं लंच, लंच करने वाले हैं। तो देख सकते हो ये एक बंदा, इधर हम लोग बैठे हुए हैं तो अभी बहुत जोर से भूख लगी है पड़ेगा। इधर देख सकते हो इधर बना है फूड कॉर्नर। चलो यहाँ से हम लोग ये 50 का नूडल वेज नूडल्स ये वाला मंगाए तीनों के लिए ऑर्डर। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अपना ब्लड को डाल रहा है, उसमें निकाल के रखा था, ये देखो इतना सारा। तो ये देखो इतना लंबा लंबा